हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन स्टार्ट करने जा रहे हैं केवीएस टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन सो so आइए करेंगे देखेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जैसे हमारे सामने है क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है लेट एफ बी ए फंक्शन आपके सामने एफ एक फंक्शन दिया गया है सच देट एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई एंड एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इन टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स वेयर जी एक्स इज कंटिन्यूअस एन जी जीरो इक्वल्स टू थ्री तो आपको एफ डेस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ओके तो एफ डैस एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि एफ डेस एक्स के लिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओके एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन कितना एच ये हुआ करता है फंक्शन को ध्यान से देख लीजिए फंक्शन में थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट इधर ब्रेक करके लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो जाए जो एफ एक्स यहाँ पर लिया गया है वो कितना है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू कितना है यहाँ पर इंटू जी एक्स है आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेहद ईजी क्वेश्चन है ये तो इस तरीके से यहाँ पर इसका मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है देखिए कैसे सॉल्व करेंगे देखिए एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एक्स प्लस वाई ये सबसे पहले फॉर्मूला एफ डैस एक्स इक्वल टू जो मैंने बता दिया इसके बाद एफ डैस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच को मैं ब्रेक कर लूँगा एफ एक्स इंटू एफ एक्स से और माइनस का कितना एफ एक्स एफ एक्स से एफ एक्स क्या हो चुका है यहाँ पे कैंसिल हो चुका है अब एफ एच की मैं वैल्यू पुट करता हूँ अगर एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू जी एक्स तो मेरे पास एफ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास एफ एच की वैल्यू आ जाएगी टू एच स्क्वायर प्लस थ्री ऑफ एच इंटू कितना जी ऑफ एच तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी एच से देखिए कैंसिल कर दिया तो टू एच प्लस थ्री क्योंकि एक एच एक एच यहाँ से ये यह और ये कैंसिल हो गए ओके टू एच प्लस थ्री इंटू जी एच वैल्यू पुट करने पर कितना आ जाएगा थ्री इंटू जी ऑफ जीरो और जी ऑफ जीरो मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है थ्री तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा थ्री इंटू थ्री इक्वल टू नाइन तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था बढ़िया क्वेश्चन था डन चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्लास टेंथ का आई थिंक ये एनसीआर टी क्वेश्चन क्लास टेंथ का कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में से टेन ए अपन वन माइनस कॉटे को कैसे लिखा जा सकता है तो वैसे तो एक चॉइस हमारे पास है कि हम कोई वैल्यू ले लें टेन ए कॉटे की बट टेन ए कॉटे की वैल्यू यदि हम लेते हैं तो हमारे पास एक तो फोर्टी फाइव होता बट फोर्टी फाइव पर यह सपोर्ट नहीं करेगा तो इसको हम पूरा ना पूरा सॉल्व कर लेते हैं कैसे सॉल्व करता हूँ देखिए इसको इसको सॉल्व करने का तरीका सो टेन ए अपन वन माइनस कॉटे प्लस कॉटे अपॉन वन माइनस टेन है मैंने टेन ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया टेनए का नीचे डिवाइड कर दिया जिससे कि ये एक्सप्रेशन बन गई टेन स्क्वायर ए अपन और टेनए का मल्टीप्लाई टेन ए माइनस वन और ये बन गई अपने पास कॉटे इंटू टेन ए वन हो गया और ये क्या बन गई इसके साथ मल्टीप्लाई होकर टेन ए माइनस वन माइनस टेन है अब ये देखिए यहाँ पे टेन ए माइनस वन है और यहाँ पर वन माइनस टेन है तो अगर मैं टेन ए माइनस वन कॉमन ले लूँ तो देखिए क्या हो जाएगा टेन ए माइनस वन यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से मुझे इसका माइनस साइन बाहर निकल करके इसको देना पड़ेगा ओके जिससे ये बन गया कितना टेन क्यूब ए माइनस वन और ये टेन ए और टेन ए माइनस वन टेन ए माइनस वन देखिए कॉमन ले लीजिए बाहर और इसके बाद इसको एक मिनट पहले इसको आप सॉल्व करिए कौन से फॉर्मूले से ए क्यूब माइनस बी क्यूब से बिकॉज ऑफ वन को वन का क्यूब लिख सकते हैं तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, प्लस ए बी इस तरीके से टेन ए माइनस वन से टेन ए माइनस वन डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया टेन ए बच गया है और टेन ए का आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टेन ए का आपने डिवाइड कर दिया तो आपके पास टेन स्क्वायर ए है ना टेन स्क्वायर ए में टेन का डिवाइड किया तो एक टेन बच जाएगा ओके इस टेने को डिवाइड कर दोगे तो वन बच जाएगा ये वन आ गया टेन आ गया और साथ में कितना आ गया प्लस वन में वन अपॉन टेन ए कितना हो गया कॉटे यदि आप इसको ओपन कर देते हैं तो देखिए कितना बच जाएगा वन प्लस टेन कितना होता है साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन जो बन जाएगा वन प्लस सै कौसे के ओके okay, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा सेके कोसेके प्लस वन ये इसका करेक्ट आंसर है सो दिस इज डन चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द फैक्टर्स एंड देयर सम ऑफ 360 मतलब आपके पास कोई नंबर है 360 सिक्सटी okay? ओके आपको निकालना है कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं आपको निकालना है कि इसके टोटल फैक्टर कितने हैं और दूसरा क्या है इसके मतलब कि आपको निकालना है कि टोटल जो है इसके फैक्टर्स का सम क्या है ओके okay? फैक्टर का सम एक बात मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगा इसमें मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगा कि कितने पेयर में लिखे जा सकते हैं हाउ मेनी पेयर्स ओके हाउ मेनी पेयर्स यहाँ पे तीन बातें आपको एक साथ पता चलेंगी 360 से रिलेटेड तो सबसे पहले करना क्या पड़ता है कि 360 को आप फैक्टराइज कर लीजिए तो 360 को फैक्टराइज़ करेंगे तो दो से कितना जाएगा 180 सौ वन एट्टी टाइम्स नाउ इट विल बी वन नाइनटी ना देन अगेन फोर्टी फाइव सो फाइव फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव नाव थ्री थ्री ज Uh, wait, 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 wait. Uh, I have to do this by three first. Okay. Okay. So first three. So three fifteen of forty-five. Now three, three fives are fifteen and five one are one. Yes, exactly. So now three sixty becomes three sixty equals to three sixty equals to two key power three into three key power two or into five to the power one. Now for the trick. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या ट्रिक पढ़ रखी हमने सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू हाउ मच टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू है टू टू की पावर थ्री है सो थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई बाई टू प्लस वन एंड मल्टीप्लाई बाई वन प्लस वन ओके सो फोर इन थ्री एन टू वन फोर थ्री इज ट्वेल्व सो टोट फोर थ्री इज ट्वेल्व एन टू आएगा ना ये हाँ फोर थ्री इज ट्वेल्व एन टू टू दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच ट्वेंटी फोर फैक्टर्स इसके बनेंगे ओके ट्वेंटी फोर फैक्टर्स इसके बनेंगे अब बात करते हैं सम ऑफ द फैक्टर्स सम ऑफ फैक्टर्स कि जितने सम आए हैं है ना इनके फैक्टर्स के जितने फैक्टर्स बनेंगे उन सभी फैक्टर्स का सम कितना होगा सारे फैक्टर्स का सम तो इसका तरीका क्या होता है देखिए यहाँ से शुरू कीजिए टू की मिनिमम पावर को ऐड करते हैं तो टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री ओके मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई देखिए कितना चलेगा थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर वन प्लस थ्री की पावर टू बस खत्म हो गई मल्टीप्लाई बाई थ्री की पा फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर वन फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर वन तो इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओके टू की पवर जीरो वन टू फोर एट तो आठ तो चार बारह तेरह चौदह एक पंद्रह फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई नौ और तीन बारह और एक कितना तेरह थर्टीन एंड मल्टीप्लाई भी कितना हो गया ये सिक्स हो गया तो फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई तेरह गुणे छः सेवेंटी एट आई थिंक सो ओके सो ये कितना आ जाएगा वन वन सेवन जीरो तो ये हो गया टोटल फैक्टर्स का सम ओके टोटल फैक्टर्स का अपने पास में कितना आ गया सम कितना आ चुका है वन वन सेवन जीरो डन देखिए यहां पर मैंने एक बात और पूछी है कि टोटल पेयर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे ओके टोटल पेयर ऑफ फैक्टर्स टोटल पेयर ऑफ फैक्टर्स पेयर ऑफ फैक्टर्स का मतलब अपने पास जो नंबर था आपके पास जो नंबर था यहां पर कितना था 360 360 की जब आपने ब्रेक करा था 360 को ब्रेक करा था तो आपके पास में आया था कितना टू की पावर थ्री इंटू की पावर टू ओके इंटू की पावर वन ठीक है ना तो यहां पर सबसे पहले टू की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर टू इंटू फाइव की पावर वन में ये पावर्स थी अपने पास इतना तो आ गया था अब इसके बाद हमने क्या निकाला था कि टोटल फैक्टर्स इसके कितने निकलेगे टोटल फैक्टर्स आपके पास कितने निकलेंगे टोटल फैक्टर्स तो अब उसमें टोटल फैक्टर्स में हमको पेयर बनाने हैं कि पेयर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे तो पहले टोटल फैक्टर में आपको बता देता हूँ कैसे निकाला था उसको एन मान लेते हैं सो एन इक्वल टू थ्री प्लस वन इंटू टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाई वन प्लस वन तो कितना आ गया था थ्री प्लस वन फोर फोर थ्री जय ट्वेल्व टू जर ट्वेंटी फोर ये आया था अब ट्वेंटी फोर का नंबर है ईवन नंबर है तो so, ईवन में जो पेयर्स जनरेट होते हैं बेटा याद कर लो ईवन में जो पेयर जनरेट होते हैं दैट इज इक्वल टू एन बाई टू तो आंसर ट्वेंटी फोर बाय टू कितना अपने पास में ट्वेंटी फोर बाय टू दट इज इक्वल टू ट्वेल्व पेयर बनेंगे कितने बनेंगे ट्वेल्व पेयर अब पेयर का मीनिंग समझ में आया आपको पेयर का मतलब जैसे इतने सारे बन रहे हैं इतने सारे बन रहे हैं पेयर का मतलब जैसे एक पेयर बनेगा थ्री सिक्सटी इन टू वन एक पेयर बनेगा टू की पावर थ्री कितना हो गया एट और मल्टीप्लाई बे थ्री की पावर टू नाइन फाइव या फोर्टी फाइव ओके एक ये बनेगा तो ऐसे करते 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 कितने टोटल ट्वेल्व पेयर यहाँ पर बनेंगे ओके okay? और सम द फैक्टर तो मैंने आपको निकालना बता ही दिया ना सम द फैक्टर निकालने का तरीका कितना होता है जैसे ये जितने भी आ रहे हैं जीरो पावर से स्टार्ट कर दिया आपको तो टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर, टू टू की पावर थ्री है ना और इसके बाद बीच में किसका साइन लगता है मल्टीप्लाई का थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर वन प्लस थ्री की पावर टू फिर इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर कितना वन तो इसको आप चाहो तो जी से भी सॉल्व कर सकते हो ये कितना बन जाएगा ए आर टू दी पावर एन माइनस वन टू की पावर फोर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई देखिए कितना हो जाएगा अपने पास में तो मल्टीप्लाई बाई थ्री की पावर एन एन टर्म्स मतलब थ्री माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई बाई फाइव की पावर टू माइनस वन अपॉन फाइव माइनस वन तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो और बाकी वाला तरीका आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है ओके सो दिस क्वेश्चन इज टोटली कंप्लीटेड सो इट इज डन चलिए देखिये एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कहा गया है इन ट्रैगल ए बी सी एक्वल्स टू टू बी एंगल ए इक्वल्स टू थ्री एंगल बी देन द टाइप ऑफ ट्रैगल आपको बताना है कि ट्रैंगल का टाइप क्या है तो कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा साइन रूल से क्वेश्चन को उठाइए साइन अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी अब कहा गया है कि ए जो है साइड टू बी के इक्वल तो ए एक जगह टू टू बी पुट करिए और एंगल ए इक्वल है थ्री टाइम्स ऑफ बी के तो एंगल एक्वल टू थ्री बी और यहाँ पर पुट करने के बाद इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इसको सॉल्व कर दीजिए बी से बी कैंसिल हो गया तो साइन थ्री बी अपॉन साइन बी इक्वल टू कितना आ गया टू साइन थ्री बी कि वैल्यू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा से पुट कर दीजिए अपॉन साइन बी देखिए इसको इधर ले जाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा टू साइन बी और इधर माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा साइन बी माइनस फोर साइन क्यूबी इक्वल टू जीरो साइन बी कॉमन लेने पर साइन बी वन माइनस फोर साइन स्क्वायर बी टू जीरो साइन बी इक्वल टू जीरो मतलब बी इक्वल टू जीरो डिग्री अगर बी इक्ल टू जीरो डिग्री हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इसलिए ये केस कंसिडर नहीं करेंगे अगला केस क्या है फोर साइन स्क्वायर बी इक्वल टू वन साइन स्क्वायर बी इक्वल टू वन बाई फोर साइन बी इक्वल टू वन बाई टू बीटा एंगल बी कितना आया थर्टी डिग्री और कह रहा है एंगल ए जो है बी का तीन गुना है तो 30 का तीन गुना कितने होगा 90 डिग्री तो करेक्ट आंसर द तो टाइप ऑफ द ट्रायंगल विल बी राइट एंगल ट्रायंगल तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें इसका आंसर क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल सो इट इज डन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोला y2 4x एंड x2 माइनस थर्टी टू वाई तो यहाँ पर देखिए दो लाइन दो पैराबोला दिए गए हैं दो पैराबोला को कोई लाइन टच कर रही है और उस लाइन टच लाइन का क्या बताना है स्लोप बताना है तो एक्चुअली ये लाइन जो है पैराबोला वन को भी टच कर रही है पैराबोला टू को भी टच कर रही है मतलब जो हमारी अननोन लाइन है वो क्या होगी वो टेंजेंट होगी पैराबोला वन पे भी पैराबोला टू पे भी तो पैराबोला वन पे यदि मैं देखूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर फोर एक्स है तो यहाँ से यदि कंपेयर करूँ तो फोर ए इज इक्वल टू कितना हो गया फोर तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया वन तो जो टेंजेंट बनती है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पे उसकी कंडीशन क्या बनती है वो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और सी इक्वल टू कितना होता है ए बाई एम तो ये टेंजेंट बनती है तो टेंजेंट कितनी बनेगी देखिए पहली लाइन पर वो बनेगी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए की जगह है वन और वन अपॉन एम ये पहले पूरा पैराबोला पर टेंजेंट गई इसको नंबर वन दे दीजिए अब जो दूसरा पैराबोला है वो कितना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थर्टी टू वाई ओके तो इसकी कंपेरिज़न आप किससे करेंगे इसकी कंपेरिजन करेंगे आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई से ओके okay, किससे करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई से और माइनस फोर ए इक्वल टू यहाँ पर कितना है माइनस थर्टी टू तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है एट ओके okay? तो यहाँ पर यदि इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई में जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बनता है वो बताई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर याद रखिएगा इसमें होता है सी इक्वल टू ए एम स्क्वायर कंसेप्ट बन जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई मतलब जो डाउनवर्ड पैरा बोला जाता है सी इक्वल टू एम स्क्वायर बन जाता तो यहाँ पर जो इक्वेशन आएगा वाई इक्वल टू एम एक्स और प्लस ए कितना है एट एम स्क्वायर ओके यहाँ पर आ जाएगा एट एम स्क्वायर ये अपने पास में अब कह रहा है कि जो दोनों लाइन है एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ओके okay? दोनों लाइनें क्योंकि एक ही चीज़ है क्योंकि दोनों लाइनें इसलिए एक ही चीज़ है क्योंकि दोनों ही टेंजेंट है और दोनों जो हैं टेंजेंट हैं अलग अलग पैराबोलास पे ये टेंजेंट है तो हम क्या है दोनों लाइनें जब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी इसका मतलब मैं दोनों ही लाइनें को इंसाइड करेंगी तो मैं लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू वाई का मतलब है एम एक्स प्लस कितना है भाई साहब यहाँ पे वन बाई एम है ना ए की वैल्यू कितनी आई थी ए वन बाई एम तो एम एक्स प्लस ए बाई वन बाई एम इक्वल टू कितना हो गया एम एक्स प्लस ए ट स्क्वायर तो यहाँ से एम एक्स से एम एक्स कैंसिल कर दीजिए तो एट एम स्क्वायर एट एम स्क्वायर इक्वल टू वन बाई एम हो गया ओके स्क्वायर रखिए यहाँ पे तो एट एम क्यूब इक्वल्स टू वन तो एम क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया वन बाई एट तो एम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है वन बाई टू तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा वन बाई टू सो आंसर इज़ डन चलिए तो क्वेश्चन तो आगे चलते रहेंगे इसी बीच में एक सिंपल फार्मूला आपकी या दस के लिए डिस्कस कर लेते हैं एक फ्री यहाँ पर थ्री का कंसेप्ट अगर आपके पास में दो लाइन्स हैं थ्री में अगर आपके पास में दो लाइन्स हैं और दोनों कैसी लाइन्स हैं इसक्यू लाइन है इस तरीके से इसक्यू लाइन हुआ करती हैं तो इनके बीच के जो डिस्टेंस का फार्मूला हुआ करता है इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी ले लीजिए तो इनके बीच के डिस्टेंस का फार्मूला रिकॉल कर लीजिए एक बार ये क्या होता है मॉड ऑफ ए टू माइनस ए वन ओके डॉट ऑफ बी वन क्रॉस बी टू ओके okay, और होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू ठीक है ना होल डिवाइड बाय बी वन क्रॉस बी टू और अगर ये डिस्टेंस जीरो हो जाती है तो आप क्या बनते हैं ये बन जाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस या कोप्लेनर लाइन line. तो लाइंस के इंटरसेक्टिंग होने की कंडीशन क्या है तो लाइंस के इंटरसेक्टिंग होने की कंडीशन और साथ ही साथ कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या है इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगी और क्या बन जाएगा डी इक्वल टू जीरो दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू कितना जीरो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर इसको मैंने डिस्कस किया ओके ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू जीरो जिसको आप इन शॉर्ट अगर कार्टिशियन में लिखें तो एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ओके और ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू से भी आप इसको सॉल्व करते हैं ओके तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो यहाँ पर मैंने बीच में प्रैक्टिस के दौरान डिस्कस कर दिया है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन टिक्नोमेट्री से उठाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में एक एक्सप्रेशन है जिसका नाम है वाई इज इक्वल टू सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस में है थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू कह रहा है बताइए कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मतलब आपको एक तरीके से वाई की क्या बतानी है रेंज बतानी है तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये देखो बीच में भाई कॉस बैठा हुआ है इसको साइन में बदल लो तो आप जानते हैं सिक्स साइन स्क्वायर थ्री इक्वल टू हो जाएगा सिक्स को कॉस में बदल लीजिए आप यहाँ पे, इसको आप जो है ए, एक मिनट ओनली कॉस स्क्वायर एक्स है पहली चीज़ तो गलती सही कर दीजिए और कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे है तो इसको चलिए इसको सही सही कर लेते हैं बदल लेते हैं साइन में तो वन माइनस क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस सिक्स साइन एक्स कॉस एक्स तो यदि यहाँ से मैं थ्री कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स और ये कितना बन गया प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कितना हो गया टू तो ध्यान से देखिए वन अच्छा टू बाद में है भाई एंड में टू भी बैठा हुआ है हाँ ठीक है टू और वन कितना हो गया थ्री हो गया तो थ्री को आप आगे रख दो अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स थ्री साइन स्क्वायर एक्स में से माइनस हो जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स और माइनस थ्री साइन का कितना टू एक्स माइनस थ्री साइन टू एक्स ठीक है ना थ्री साइन टू एक्स हो गया है चलिए चलिए बढ़िया बात है थ्री साइन टू एक्स अब देखिए यहाँ पर अभी ये फंक्शन जो है अभी इसको आप मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल सकते हो इसका ट्रिक मतलब जो ट्रिकी मेथड होता है ए एक कास एक्स प्लस बी साइन एक्स तो इसके लिए एक आप जुगाड़ कराओ देखिए इसके लिए जुगाड़ क्या है इसके लिए जुगाड़ ये है कि थ्री अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू तो बाहर रहने दो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू ओके इक्वल टू कितना होता है टू साइन स्क्वायर एक्स होता है ना तो इसको टू को भी गैप कर दो है ना तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू हो जाएगा एक मिनट एक मिनट हम तो सही तो कर रहे थे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू माइनस थ्री साइन टू एक्स ये बिल्कुल सही है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आ, चलो थ्री साइन टू एक्स तो सही है टू से टू कैंसिल हो गया देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा तो थ्री और प्लस वन और माइनस कॉस टू एक्स और माइनस थ्री साइन टू एक्स साइन कितना टू एक्स ठीक है ना तीन और एक कितना हो गया चार और यहाँ पे माइनस लगा दीजिए अब चार माइनस लगा करके देखिए यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू कर दो इसको ऐसे लिख दो थ्री साइन टू एक्स और प्लस का कितना है कॉस का टू एक्स अब ये आपका क्या है ये वाई है अब आपका काम बहुत आसान कह सकता हूँ मैं देखिए ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है आप जानते हैं है ना तो यहाँ पर देखिए थ्री साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है वो आप जानते हैं कहाँ से कहाँ लाई करती है तो इसको चलो भाई अगले पेज में ले चलते हैं इसको आराम से सॉल्व करेंगे आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ चलो ये लीजिए जी यहाँ तक आ चुके थे हम अब इसके बाद थोड़ी सी जुगाड़ यहाँ पे लगानी पड़ेगी देखिए आप जानते हैं कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की वैल्यू जो होती है माइनस अंडर उड ए स्क्वायर से बी स्क्वायर के बीच में लाइक करती है तो यहाँ पे ए, कौन सा है थ्री साइन टू एक्स क्या यहाँ क्या, क्या क्यों लिखो भाई यहाँ तो लिखो ना हाँ तो देखिए यहाँ पे थ्री साइन टू एक्स और प्लस कॉस टू एक्स की जो वैल्यू होगी कॉस टू एक्स है एंगल सेम होना चाहिए अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन ओके मतलब इसकी वैल्यू जो है निगेटिवली थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन मतलब अंडर रूट टेन से लेकर के प्लस अंडर रूट टेन के बीच में लाई करेगी ठीक है ना तो अगर आप यदि माइनस साइन कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनस साइन करने से क्योंकि दोनों तरफ बराबर फंक्शन फ्लक्चुएट करता है तो यदि माइनस साइन फ्लक्चुएट मल्टीप्लाई कर दें तो थ्री साइन टू एक्स और प्लस कॉस्ट टू एक्स कर दें तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी मिनिमम हो जाएगी अंडर रूट टेन माइनस का और जो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी प्लस का अंडर रूट टेन आप करके देख लीजिएगा बाकी अब चलिए तो क्या कहना अपन को इसमें फ़ोर ऐड करना है इसको अपन को कितना ऐड करना है फ़ोर ऐड करना है तो फोर ऐड कर दीजिए तो मिनिमम वैल्यू कितनी सेट हो गई फोर माइनस रूट टेन और मैक्सिमम वैल्यू कितनी सेट हो गई फ़ोर प्लस रूट टेन तो इस तरीके से इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वाई बिलोंग्स टू कितनी आएगी वाई की वैल्यू जो आएगी फ़ोर माइनस रूट टेन से लेकर के फोर प्लस रूट टेन तक चलेगी ओके ये देखिए ये इंटरवल है तो फोर प्लस रूट टेन तो इसको जो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन वो किस तरीके से लिखा है कि y इज बिटवीन फोर माइनस रूट टेन से लेके फोर प्लस रूट टेन तो ये हो गई इसकी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे ओके डन चलिए अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाते हैं देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिनट जी ओके क्या क्वेश्चन दिया गया है लेट जेड एंड ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हैं जेड और ओमेगा ठीक है क्या बात की जा रही है इनके लिए सच दैट जेड का बार प्लस आई पहली कंडीशन दी गई है जेड का बार प्लस आई ओमेगा ओके आई ओमेगा क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा एक के ऊपर ओमेगा के ऊपर बार लगा है इक्वल टू जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ओके और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है दूसरी कंडीशन दी गई है आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा जेड ओमेगा इक्वल टू कितना दे रखा है पाई आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा इक्वल टू पाई तो इतना सब कुछ करने के बाद आपसे बोला गया है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी देखिए दो कंडीशन है एक कंडीशन ये है दूसरी कंडीशन ये है ओके okay, और कहाँ पर अपन को अटैक करना है आर्गुमेंट ऑफ जेड के ऊपर तो चलिए पहली कंडीशन को उठाता हूँ पहली कंडीशन क्या है जेड बार प्लस आई ओमेगा बार इक्वल टू कितना जीरो तो जेड बार इक्वल टू हो जाएगा माइनस का आई ओमेगा बार अब एक काम करिए इसका कंजुगेट ले लीजिए तो जेड इक्वल टू हो जाएगा कितना जेड का कंजुगेट हो जाएगा देखिए माइनस आई है तो भाई कंजुगेट <coughs> लेना है अपन को तो आई ओमेगा बार का कंजुगेट अपन ने टोटल ले लिया क्योंकि दोनों तरफ का कंजुगेट लिया गया है तो इस तरीके से लेंगे तो आप देखिए जेड इक्वल टू आप इसका यदि कंजुगेट लेते हैं तो अपन ने पढ़ा है जेड वन इंटू जेड टू जेड वन इंटू जेड टू का होल कंजुगेट इक्वल टू जेड वन बार इंटू जेड टू बार तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो आई का कितना आ जाएगा देखिए माइनस आई आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस आई और ये कितना हो जाएगा ओमेगा बार से बार कैंसिल हो गया तो कितना हो गया ओमेगा हो गया ठीक है ना तो कंजुगेट लेने के बाद ये सीन बन चुका है अब आगे करते हैं चलो भाई तो आगे कैसे करेंगे देखो अब अपन को कहाँ अटैक करना है अर्गूमेंट ऑफ जेड पे तो यहीं पर इसको नंबर ए मान करके इसका अर्गूमेंट ऑफ जेड ले, ले लेता हूँ तो देखो भाई अर्गुमेंट ऑफ जेड लोगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा आर्गूमेंट ऑफ आयोटा प्लस अर्गूमेंट ऑफ ओमेगा ठीक है आर्गूमेंट ऑफ आयोटा पूरी दुनिया जानती कितना होता है पाई बाय टू होता है आर्गूमेंट ऑफ आयोटा इक्वल टू होता है पाई बाय टू और आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा हमको पता करना है ठीक है ना आर्गमेंट ऑफ आयोटा और आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा ठीक है एक काम करिए इस रिलेशन को हाथ मत लगाइए इसको नंबर वन दे दीजिए ठीक है ओके इसको नंबर कोई दे दीजिए वन तो दे चुके हैं भाई इसको मान लीजिए आप बी दे दीजिए आर्गुमेंट ऑफ आई ओटा प्लस अर्गूमेंट ऑफ ओमेगा इसका नाम बी दे दीजिए ठीक है ना अब देखिए दूसरा इक्वेशन पकड़ो दूसरा इक्वेशन क्या है आर्गूमेंट ऑफ जेड ओमेगा इक्वल टू पाई आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा इक्वल टू पाई अब देखिए क्या देखा रहा है आर्गूमेंट ऑफ जेड इन टू ओमेगा इक्वल टू कितना दे रखा पाई तो एक प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट तो एडिशन फॉर्म में आ जाता है तो आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू भाई साहब यहाँ पे पाई दे रखा है ठीक है ना तो हमें क्या चाहिए है हमें एक्चुअली यहाँ पर हमें एक्चुअली इधर पर हमें आर्गूमेंट ऑफ जेड चाहिए तो अर्गूमेंट ऑफ़ जेड प्लस अर्गूमेंट ऑफ़ ओमेगा इक्वल टू पाई ये रिलेशन नंबर आप ले लो सी ले लो अब आपके पास दो इक्वेशन आपके पास खड़े हुए हैं एक आर्गूमेंट ऑफ़ आई प्लस अर्गूमेंट ऑफ ओमेगा ओके एंड आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस अर्गूमेंट ऑफ़ ओमेगा इक्वल टू पाई तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से मैं ये जो आपके पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं इस वाले में ओके फ्रॉम इक्वेशन बी तो मैं बी को एक बार फिर से लिखता हूं बी इक्वेशन क्या है बी इक्वेशन मेरे पास है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा आयोटा आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा ठीक है ना तो देखो अब यहाँ से ध्यान से सुनो यहां पे बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहां पे। अब यहां से देखो ये क्योंकि अपन को आर्गुमेंट ऑफ जेड लाना है तो अपन आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा को रिप्लेस कर दें किससे रिप्लेस कर दें देखो ध्यान से ये रिप्लेस हो जाएगा आ, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ आयोटा मैं पहले ही बता रहा था आयोटा का आर्गुमेंट तो फिक्स होता है कितना होता है पाई बाई टू और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा जो होता है दैट इज इक्वल टू पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना हो गया जेड अब ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना टू टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड ओके और टू टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया और पाए बाई टू प्लस पाई यानी कितना हो गया भाई साहब आपके पास में हो गया थ्री पाए बाई टू है ना कितना हो गया थ्री पाई बाई टू तो आपके पास आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा ये यहां से हटा करके इसके नीचे डाल दो तो आंसर कितना आ गया तो करेक्ट इसका आंसर होगा आंसर कितना होगा इसका थ्री पाए बाई फोर तो नोट कर लीजिए इसका आंसर होगा थ्री पाए बाई फोर डन चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन नोट करिए कह रहा है क्वेश्चन में कि मैं डिक्टेट कर रहा हूं क्वेश्चन को आपको पूरा नहीं दिखा रहा हूं समय ज्यादा खराब होता है तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है लेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू अप टू एक्स एन मतलब एक्स वन है एक्स टू है एक्स थ्री है ऐसे ले करके टोटल अपने पास कितने ऑब्जर्वेशन है एक्स एन ऑब्जर्वेशन है सच देट सिगमा एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू फोर हंड्रेड तो यहाँ पे सारे डेटा के स्क्वायर का सम आपको कितना दिया गया है फोर हंड्रेड दिया गया मतलब सारे डेटा एक्स आई है ही एक्स वन मत समझ लीजिएगा इसको एक्स आई है ओके और आपको दिया गया है सिगमा एक्स आई इक्वल टू कितना दिया गया है एट्टी सिग्मा एक्स आई आपको एटी दिया गया है तो आपको एन की पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इन द फॉलोइंग आपके पास जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एन की पॉसिबल वैल्यू तो आप तो मुझे ऑप्शन लिखने पड़ेंगे ऑप्शन है बारह ओके सोलह सिक्सटीन ओके बारह नौ अठारह पंद्रह सोलह नहीं है बारह है आपके पास नौ है नाइन ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सी आपके पास में एट्टीन एंड डी दिया है फिफ्टीन आपको बताना है कि पॉसिबल आंसर कौन सा है तो देखिए यहां पर एक आपको थ्योरम मैं आपको बता देता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थ्योरम होती है एलजेब्रा की एलजेब्रा की थ्योरम हुआ करती है कि अगर आपके पास कोई है, okay, तो है पावर का mean, mth का मीन 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 पावर 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 ऑफ ऑफ ओके मीन ऑफ एम्थ पावर इज इक्वल्स टू एम्थ पावर का मीन इज इक्वल्स टू मीन की पावर एम मीन की पावर एम अब अब यहाँ पे पर एम कुछ भी हो सकता है एम यहाँ पे क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है मीन ऑफ एम्स पावर मतलब जैसे आपके पास डेटा है ना एक्स वन तो एक्स वन की पावर एम कर दो प्लस एक्स टू की पावर एम एक्स एम कर दो प्लस एक्स थ्री की पावर एम कर दो है ना सारी जितनी भी नंबर्स हैं एक्स एन है लास्ट का नंबर उसकी पावर एम कर दो उसका मीन मतलब अपॉन में एन जो होता है ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने ग्रेटर और इक्वल ओके ग्रेटर और इक्वल क्या मीन की पावर तो मीन तो अपने पास में क्या हो जाएगा सिंपल मीन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉडो डो डोडो एक्स एन की हो अपॉन डिवाइड बाई कितने टोटल डेटा है एन की होल पावर कितना एम ये कंसेप्ट आपको याद रख लीजिए इसी कंसेप्ट से ही क्वेश्चन होगा आइए करते हैं तो देखिए यहाँ पर लड़ाई किसके किसके बीच में है टू पावर के बीच में है ना तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा इसी थ्योरम से कि एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री का स्क्वायर एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस अप टू अपू अप टू, टू कितने हैं एक्स एन का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन तो ये स्क्वायर मीन आ चुका है इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट डोट डोट डॉट एक्स एन होल डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर यही तो सीखा ना अपन ने मतलब फिलहाल हम एन्थ जहाँ पे पावर एम्थ पावर रखते थे यहाँ पे एम इक्वल टू किसके लिए खेल रहे हैं टू के लिए तो यहाँ पे पावर टू के लिए खेल रहे हैं ये कंडीशन हुआ करती है देखिए ये हमने आपको बताई थी कि ये कंडीशन होती है अब इसमें क्या होता है हाँ यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिए ग्रेटर एंड इक्वल ओनली ग्रेटर होता है ना भाई ये थोड़ा चेक कर लूँ मैं हाँ जी बिल्कुल ग्रेटर होता है काफ़ी सारे फार्मूले होते हैं याद करने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में ग्रेटर एंड इक्वल दोनों आता है बट यहाँ पे केवल ग्रेटर आता है ओके तो इसको सही कर लीजिए एक सेकेंड तो यहाँ पे केवल क्या आएगा ये ग्रेटर आएगा ओके केवल ग्रेटर ये इक्वल टू का निशान यहाँ से हटा दीजिए चलिए डन हो गया तो अब देखिए ओके अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास ये जो टोटल वैल्यू आपके पास दी गई है टोटल आपके पास कितने डेटा हैं एन डेटा हैं एन डेटा के लिए आपको टोटल वैल्यू कितनी दी गई है 400 दी गई है तो 400 हंड्रेड अपॉन एन इज ग्रेटर देन और ये सारी की सारी वैल्यू सम कितना दिया गया ये सिग्मा एक्सा हो गया ना ये सारा का सारा सम आपको कितना दिया गया है पेपर में क्वेश्चन में देख लीजिए एट्टी ओके तो सारा का सारा सम कितना दिया है एट्टी बाई कितना एन एन का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा एट्टी बाई एन का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ना सो so, यहाँ से फोर हंड्रेड बाई एन फोर हंड्रेड अपॉन एन इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा भाई सिक्सटी फोर हंड्रेड अपॉन क्या है एन का स्क्वायर अब सारी की सारी पॉजिटिव क्वांटिटी हैं तो एन स्क्वायर का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर हंड्रेड एन ग्रेटर देन कितना हो गया सिक्सटी फोर हंड्रेड क्या किया मैंने एन स्क्वायर का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया तो सिक्सटी फोर हंड्रेड दो जीरो से जीरो दो जीरो काट दो ओके okay, तो एन ग्रेटर देन सिक्सटी फोर हंड्रेड अपॉन कितना हो जाएगा फोर तो चार यहाँ पे कितना आ गया फोर दो जीरो तो पहले कट गए थे तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया सिक्सटीन तो एन ग्रेटर देन सिक्सटीन तो जो अपने पास उपलब्ध ऑप्शन है अपने पास जो अवेलेबल आंसर्स हैं उसमें एन ग्रेटर देन सिक्सटीन देखना है ना तो एन ग्रेटर देन सिक्सटीन देखना है अवेलेबल आंसर में तो हमारे पास जो ऑप्शन उपलब्ध हैं वो उसमें कौन कौन सा देखिए बारह नहीं, नहीं हो सकता है नौ नहीं हो सकता है फिफ्टीन नहीं हो सकता है आंसर क्या होगा एट्टीन तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना जाएगा एन ग्रेटर देन सिक्सटीन आया है ना तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा एन इक्वल्स टू एट्टीन आएगा क्योंकि ग्रेटर देन सिक्सटीन में केवल एक ही ऑप्शन है तो आंसर हो गया एन इक्वल टू एट्टीन सो दिस इज़ ऑलमोस्ट डन सो so, मैं आंसर भी लिख देता हूँ लीजिए एन इक्वल्स टू एटीन डन चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन जो है मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से उठा रहा हूँ और ऐसा क्वेश्चन ए में ए का जो क्वेश्चन है की में जरूर आता है क्वेश्चन कह रहा है ए मैन सर्व्स टू हंड्रेड रुपीज़ इन ईच फर्स्ट थ्री मंथ ऑफ इस सर्विस जो एक इंसान है अपनी ज़िंदगी की सर्विस में हर महीने में दो सौ रुपये बचाए प्रति कब तक बचाए तीन महीनों तक तो भैया अले पहले तीन महीनों तक कितने दो सौ प्लस दो सौ प्लस दो सौ रुपये उसने बचाए ओके इन ईच ऑफ द सब सिक्वेंसड मंथ सिंस हिज सेविंग इंक्रीजेज बाई द रुपीज़ फोर्टी अब इसके बाद इसकी जिंदगी भर जो है सेविंग जो है शुरू के तीन मंथ तक तो इतनी थी इसके बाद इसकी जो सेविंग है चालीस चालीस रुपये से बढ़ने लगी मतलब दो सौ चालीस फिर दो सौ अस्सी ओके इंक्रीजेज बाई फोर्टी देन द सेविंग ऑफ द इमीडिएटली प्रीवियस मंथ हाँ ठीक है भाई मतलब 40 40 का कॉमन डिफरेंस हो गया हिज़ टोटल सेविंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सर्विस इज़ एलेवन तो कह रहा है इसको करते 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 जिंदगी भर की उसकी जो सेविंग हो चुकी है वो ग्यारह हो चुकी है ओके तो आपको बताना है कि ये ग्यारह हजार चालीस जो हुई है कितने मंथ के बाद हुई होगी ओके ग्यारह हजार चालीस जो हुई है वो कितने मंथ के बाद हुई होगी तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ देखिए टोटल आपको सम निकालना है तो ये वाला जो बंडल है इसको अलग कर लीजिए ये कितना मान लीजिए कि कितने मंथ लगे हैं एन मंथ ये मान लीजिए कितने मंथ लगे हैं एन मंथ तो यदि ये, ये टू मंथ का कार्यक्रम चला है तो ये मंथ जो होंगे कितने होंगे एन माइनस टू ओके तो ये कितने होंगे एन माइनस टू अभी टू मंथ की सैलरी कितनी सेविंग कितनी हो गई इसकी चार सौ रुपये तो चार सौ रुपये को यहाँ से माइनस कर दो ओके तो दो सौ प्लस दो सौ चालीस क्योंकि हमको ए पी भी तो बनाना है ना प्लस दो सौ अस्सी प्लस अप टू अप टू अप टू अप टू करते 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 यहाँ पर क्या है ग्यारह हज़ार चालीस और माइनस का कितना चार सौ रुपये है, है ना तो ग्यारह हजार चालीस में से चार सौ माइनस करो जीरो में से जीरो गए जिधर दस चार में से जीरो गए जीरो दस में से चार गए छः और ये कितना बन गया भाई दस हज़ार एक मिनट कुछ गलती हो गई हाँ चालीस था ओके तो ये कितना बन गया दस हज़ार छः सौ चालीस और ये क्या बन रही है ए पी कितने टाइम तक की ए पी है एन माइनस टू टाइम तक की है ना एन माइनस टू मंथ की तो इसको मैं कैसे लिखूँगा एन माइनस टू बाई एन बाई टू की जगह एन माइनस टू बाई टू टू ए यानी कि चार सौ प्लस टोटल टर्म्स कितने हैं एन माइनस टू हैं है ना तो एन माइनस टू माइनस वन यानी कि एन माइनस थ्री इन टू कितने का कॉमन डिफरेंस है भाई साहब प्लस चालीस का और हो गया सारा का सारा कार्यक्रम खत्म तो दो से काट दीजिए सबसे अच्छी बात है दो कॉमन है यहाँ पे तो काटा कूटी करने के लिए सावधान तरीके से करेंगे तो दो से यहाँ से काट दिया तो यहाँ कितना बच गया दो सौ बच गया और यहाँ पे कितना बच गया है बीस बच गया ठीक है ना तो एन माइनस टू थोड़ा अच्छे से आराम से सॉल्व करा करिए क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे थोड़े से गड़ गड़बड़ी करा देते हैं दो सौ और प्लस भाई एन का ट्वेंटी से मल्टीप्लाई तो ये हो गया कितना ट्वेंटी है ना ट्वेंटी थ्री सिक्सटी इक्वल टू कितना हो गया दस हज़ार छः सौ चालीस ये लो दस हज़ार छः सौ चालीस तो एन माइनस टू और वो मल्टीप्लाई भी करना बाकी ये भी ओके तो एन माइनस टू और देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा ट्वेंटी एन और दो सौ में से कितने जा रहे हैं साठ तो बच चुका है कितना एक सौ चालीस इक्वल टू कितना दस हज़ार छः सौ चालीस जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे ओके आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एन इक्वल टू ट्वेंटी वन ओके एन इक्वल टू कितना हो जाएगा <coughs> आपके पास आ जाएगा एन इक्वल टू ट्वेंटी वन आना चाहिए ना एक मिनट भाई थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही क्या एन माइनस टू हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ओके तो इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए अब मैं क्या सॉल्व करूँ क्या इसको खैर कर ही लोगे आप लोग तो इसको सॉल्व करने के बाद इक्वल टू एन इक्वल टू कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन तो देखिए आपका आंसर आपको ट्वेंटी थ्री देने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्शन में ट्वेंटी थ्री भी हुआ तो क्योंकि आपने टोटल कितने मंथ माने थे एन माने थे ना मंथ तो इसलिए एन माइनस टू से क्या आपने निकाल लिया एन ही तो निकाला है ओके अगर टोटल मंथ मतलब ये नहीं करना कि आप इसको पूरा करने के बाद आप दो जोड़ देना देखो आपने टोटल कितने मंथ माने थे एन मंथ माने थे और एन मंथ के हिसाब से वैल्यू आपकी एन इक्वल टू कितनी आ चुकी है ट्वेंटी वन आ चुकी है ठीक है ना अच्छा एक तरीका और है कि यदि यहाँ तक पहुँच जाते हो तो वैल्यू प्लेस कर कर के ऑप्शन से एन इक्वल टू ट्वेंटी वन पर भी चेक कर सकते हो क्योंकि चार ऑप्शन दिए रहेंगे ओके तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो डन चलिए क्लास तो आगे चलती रहेगी मगर इसी के बीच में एक छोटा सा फॉर्मूला हो जाए सभी प्यारे बच्चों की मांग पर तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिख लो भाई इसी बात पे वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन और माइनस सिगमा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर ठीक है ना तो इसको बड़े बड़े क्लास के बच्चे क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ई एक्स को मीन बोला जाता है मतलब स्क्वायर मीन माइनस मीन का स्क्वायर इस तरीके से भी रटने वाले रख सकते हैं मगर सबसे ज्यादा पॉपुलर फार्मूला जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा ऊपर वाला डन और इसी के साथ एक और फार्मूला मैं फिर से रिकॉल करवाऊंगा अभी जो मैंने जिस पर क्वेश्चन कराया था ओके okay? कि एक्स वन की पावर एम और एक्स टू की पावर एम प्लस एक्स थ्री की पावर एम जितनी भी एक्स एन की पावर एम का जो मीन होता है वो ग्रेटर देन हुआ करता है किससे इनके मीन की पावर मतलब टोटल एक्स बार की पावर किससे एम से ठीक है ना मतलब mth पावर का जो मीन हुआ करता है वो मीन की पावर एम से हमेशा क्या हुआ करता है ज़्यादा हुआ करता है डन तो भूल तो नहीं गया ना मेरे प्यारे बच्चों देखो इसको क्या लिखते हैं है ना इसको क्या लिखते हैं एक्स वन की पावर एम प्लस एक्स टू की पावर एम प्लस अप टू अप टू अप टू एक्स एन की पावर एम अपॉन में कितना है एन है ना और इसका जो ग्रेटर देन होता है ये एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस अप टू अप टू अप टू एक्स एन अपॉन एन की होल पावर क्या एम मतलब ये जो होता है इंडिविजुअल जो होता है पावर वाले मीन से मीन की पावर जो होती है इससे ये ज़्यादा हुआ था मतलब पावर वाला जो मीन होता है वो ज़्यादा हुआ करता है चलो डन नोट कर लो इसको यदि शॉर्ट में मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ मीन ऑफ मीन ऑफ एक्स 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 की पावर एम मीन ऑफ एक्स की पावर एन दैट इज इक्वल टू मीन ऑफ एक्स की होल पावर एम इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मीन ऑफ एक्स की पावर एम ग्रेटर देन मीन ऑफ एक्स की पावर एम तो ये कैलजबरा की प्रॉपर्टी होती है अब इसके ज़्यादा अंदर मत जाओ बस इसको याद कर लो तो कुछ कुछ फार्मूले में बीच बीच में आप लोग को रिकॉल कराता रहूँगा डन चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है डिक्शनरी के शब्दों में अगर स्मॉल वर्ड को लिखा जाए एस एम ए डबल एल से बने हुए सभी वर्ड को तो बताइए बनने वाले शब्दों की में स्मॉल की क्या रैंक होगी तो कैसे करते हैं सबसे पहले एक को आगे कर दो तो अंदर कौन बच गया एक दो तीन एम डबल एल ओके तो कितने बनेंगे फैक्टोरियल फोर और दो लोग के जोड़े सेम है तो कितना आ जाएगा आंसर बारह ए से बनने वाले कितने वर्ड हो गए बारह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तो सबसे पहले एल को बाहर कर दो तो एल के अंदर आने के बाद चार लोग बच गए तो फैक्टोरियल फोर यानी कि कितना हो गया चौबीस ओके एल के बाद कौन हो गया भाई एल के बाद हो गया एम ओके एल के बाद आ गया कैम एम बट हमको एस ए हो गया एस एल हो गया और एस के बाद एम और हमें small की ही तो रैंक बनानी है ना तो small की ही रैंक हमें बनानी है एस तो अब देखिए यहाँ पर ए वाले हो गए एल वाले हो गए और एम एम वाले लोग कर लो भाई साहब तो एम वाले भी कितने डिजिट बनेंगे फैक्टोरियल के फोर और साथ में दो नीचे आएगा तो आंसर कितना आ गया भाई साहब बारह तो एस का यूज़ ए का यूज़ हो गया ओके ए के बाद एल का यूज़ हो गया एल के बाद एम का यूज़ हो गया फिर इसके बाद आएगा एस तो अब चौकन्ने हो जाओ क्योंकि एस आने वाला है एस के बाद सबसे पहले ए आएगा तो ए के बाद में कितने डिजिट हो गया देख लो ए के बाद में बचे तीन डिजिट तो तीन डिजिट का हो गया कितना तीन डिजिट के हो गया कितने छः तो छः और क्योंकि फैक्टोरियल थ्री बनेगा और दो रिपीट हो रहे हैं तो कितने बचे तीन ओके यहाँ पे हो गए हैं तीन एस ए वाले और इसके बाद में कौन सा आएगा एस ए के बाद कौन सा आ जाता है एस एम आएगा है ना एस एम आएगा एस ए के बाद एल आएगा सॉरी सॉरी एस ए के बाद एस एल आएगा भाई एम क्यों आएगा पहले तो के एल एम हाँ तो पहले एल आता है तो एस ए के बाद एस एल छोड़ लो तो एल के बाद देखिए कौन अंदर बज गए भाई तीन लोग बज गए हैं तो तीन लोग जो हैं कितने तरीके से धमाचोकड़ी मचाएंगे छह छः तरीके से अब देखिए अब हमारा आ चुका है तो एस के बाद एम ओके एम के बाद क्या आएगा ए आएगा और ए के बाद क्या आएगा एल आएगा और फिर से क्या आएगा एल आएगा तो मतलब अगला डिजिट यही बनेगा एस स्मॉल तो टोटल डिजिट टोटल रैंक कितनी बन गई देखो भाई साहब यहाँ से बारह उठाओ यहाँ से चौबीस उठाओ यहाँ से फिर बारह उठाओ यहाँ से तीन उठाओ यहाँ से छः उठाओ और यहाँ के बाद कितना एक उठाओ टोटल को जोड़ दो तो आंसर आ रहा है फिफ्टी एट मतलब जो स्मॉल की रैंक बनेगी हमारे इसमें वो कितनी बनेगी फिफ्टी एट बन जाएगी तो प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन हो गया डन चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बहुत ही उम्दा प्यारा सा लेके आया हूँ आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द सीरीज़ आपके पास सामने कोई सीरीज़ है और कोई सीरीज मैं लिख देता हूँ आपके लिए क्या है सीरीज़ भाई वन प्लस फोर एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर ओके प्लस टेन एक्स क्यूब ये देखिए कोई आपके पास सीरीज़ दी गई है अप टू अप टू अप टू अप टू इन्फाइट टर्म्स तक की सीरीज़ दी गई है और कह रहा है कि इसका जो सम दिया गया है वो दैट इज़ इक्वल टू कितना दिया है थर्टी फाइव बाई सिक्सटीन ओके और एक साथ में एक डिस्क्लेमर दी गई है डिस्क्लेमर यानी चेतावनी क्या दी गई है कि मॉड ऑफ एक्स जो है लेस देन वन है मतलब जी पी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा इसका ओके मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस वन से लेकर के प्लस वन के बीच में होगी चलिए अब जरा इसको पहचान लीजिए इस क्वेश्चन को करसम करने के पहले कह रहा है तो क्या कह रहा है कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करिए भाई क्वेश्चन तो बता दो तो क्वेश्चन कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करो और चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं एक्स के दो बड्डे पाँच एक बड्डे पाँच तीन बड्डे पाँच तो भाई जी पी यहाँ कहाँ तक है इन्फानाइट तक है और इन्फानाइट तक है तो कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लग पाएगी पूरा पूरा हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा ओके तो क्या करते हैं सबसे पहले देखिए एस ले लो एस इक्वल टू हो गया वन प्लस फोर एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स क्यूब प्लस अप टू अप टू अप टू इन्फिनिटी अब जरा क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन में कर क्या रहा है वन प्लस फोर एक्स मतलब इधर वाला जो पार्ट है वो ए पी बन रहा है चार तीन सात तीन दस मतलब तीन तीन की ए पी बन रहा है ओके और अगले वाले पार्ट में क्या हो रहा है अगले वाले पार्ट में जो है वो क्या करता जा रहा है एक्स का गुणा करता जा रहा है अगले वाले पार्ट में एक्स का क्या करता जा रहा है गुणा करता जा रहा है तो मैं क्या करता हूँ मैं इसको ए पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से कर दिया ओके okay? और थोड़ा सा एक टर्म आगे बढ़ा के कर दिया तो ये हो गया एक्स ये कितना हो गया भाई साहब ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर फिर अगला सेवन एक्स क्यूब हो गया इस तरीके से मैं इस सीरीज़ को लिख सकता हूँ ठीक ना इस तरीके से इस सीरीज़ को मैं लिख सकता हूँ अब मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया तो यदि मैं माइनस कर देता हूँ तो देखिए एस कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में बचेगा वन माइनस एक्स और सीरीज़ क्या बन गई वन और फोर एक्स में से एक्स का कितना बचा थ्री एक्स और ये क्या हो गया ये हो गया अपने पास में थ्री एक्स का स्क्वायर ये क्या हो गया थ्री एक्स का क्यूब इसको बोलते हैं मेथड ऑफ़ डिफरेंस इसको क्या बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस बोला करते हैं ओके आपकी एन में भी ये मेथड दी गई है अब देखिए भाई तो एस की वैल्यू निकाल सकते हो आप तो एस की वैल्यू आप निकालना चाहो तो निकाल लो यहाँ पे वन प्लस थ्री एक्स प्लस दिए ये, ये ये सारा का सारा आपको दिया गया है तो यदि मैं एस की वैल्यू यहाँ पर रोकना चाहूँ तो रुक सकता हूँ मगर उसके पहले रुक जाओ थोड़ा सा उसके पहले देखिए ये क्या बन रही है ये आपके पास में जी बन रही है ये आपके पास में क्या बन रही है जी बन रही है तो तो यहाँ पर ये कौन सी जी बन रही है यहाँ से ये पूरी की पूरी जी बन रही है ओके इन्फानाइट टर्म्स की क्या बन रही है जी बन रही है एक सेकेंड तो अब मन में सवाल उठता है कि देखिए जीपी इसको कहाँ से कंट्रोल किया जाए यहाँ से लें पहले टर्म से कि यहाँ से लें अगर आप पहले टर्म से लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है थ्री एक्स आएगा और फिर एक्स एक्स हो जाएगा तो आपको जीपी यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी वन को आपको छोड़ना पड़ेगा तो एस इंटू वन माइनस एक्स इक्वल टू वन प्लस फॉर्मूला क्या होता है इन्फानेट टर्म्स का ए अपॉन वन माइनस आर तो ए कितना है थ्री एक्स और वन माइनस आर कितना आएगा यहाँ पर एक्स आ जाएगा तो थ्री एक्स अपॉन वन माइनस एक्स चलिए तो एक्स अब यहाँ से एस की वैल्यू अलग कर लीजिए तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा एस इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये आपके पास में आ गया वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर कोई गलती तो नहीं करी ना अपन ने हम्म वन प्लस थ्री वन माइनस एक्स ठीक है वन अपॉन ए अपॉन वन माइनस आर तो वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर चलिए ठीक है चलिए तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का टू एक्स और प्लस का कितना हो गया थ्री एक्स और यहाँ पे चला जाएगा यहाँ तो कुछ नहीं जाएगा हाँ ठीक है ओहो हो गलती कर दी गलती कर दी मैंने यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा ना होता है एल सी एम चलिए चलिए चलो सही करो इसको देखिए वन माइनस एक्स का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस एक्स एक जाएगा और प्लस का थ्री एक्स और ये कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो तीन एक्स में से एक गया तो कितना बच गया टू एक्स तो वन प्लस टू एक्स इधर बचा यानी कि टू एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये हमारे पास आ चुका है एस और एस की वैल्यू हमें दी गई है कि इसमें एस कितना है थर्टी फाइव अपॉन सिक्सटीन तो चलिए इस पूरी कथा को हाँ अगले पेज में लेकर के चलते हैं फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे ये लीजिए जहाँ छूटे थे वहाँ आ चुके हैं तो अपने पास में एस की वैल्यू कितनी दी गई है एस की वैल्यू हमको दी गई है थर्टी फाइव बाई सिक्सटीन तो मैं लिख सकता हूँ थर्टी फाइव बाई सिक्सटीन इक्वल टू वन प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब दो रास्ते हैं आपके पास में या तो इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए या ऑप्शन से उठा करके पुट कर लीजिए ठीक है ना तो ऑप्शन से उठा करके पुट कर लें तो आपको क्या चाहिए एक्स चाहिए है एक्स है ना और एक बार ये देख लो कि एक्स जो है वो भाई एक सेकेंड ये देखिए यहाँ पर x जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई है आपको x की वैल्यू चाहिए और साथ में x की वैल्यू माइनस वन से लेकर के प्लस वन के बीच में क्योंकि मॉड ऑफ x लेस देन वन है चलो तो यार मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ मेरा मन नहीं मान रहा है ओके तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो थर्टी फाइव इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब वन हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का टू एक्स हो गया और यहाँ हो जाएगा सोलह एक सोलह और सोलह टू जा थर्टी टू का एक्स ठीक है ना इसको सॉल्व कर दो थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो गया पैंतीस गुणे दो यानी कि सत्तर का एक्स इक्वल टू हो गया सिक्सटीन प्लस कितना हो गया थर्टी टू एक्स बहुत बढ़िया ठीक है अब देखिए क्या करते हैं इसमें हाँ, अब इसमें ये है थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का सत्तर और माइनस का थर्टी टू सत्तर और थर्टी टू माइनस का मतलब माइनस का एक सौ दो एक्स ठीक है और थर्टी फाइव माइनस सिक्सटीन तो पैंतीस में से सोलह सोलह बत्तीस और बत्तीस सोलह हो गया और तीन यानी कि कितना हो गया प्लस का नाइनटीन इक्वल टू कितना हो गया जीरो तो देखो भाई इतना खतरनाक सा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है इस तरीके की एक्सप्रेशन आ चुकी है नौ एक दस कुछ कॉमन आने जैसा सीन भी नहीं लग रहा है ओके तो थर्टी फाइव एक्स स्क्वायेर माइनस वन हंड्रेड टू एक्स और प्लस का नाइनटीन इक्वल टू ज़ीरो अब इसको फैक्टराइज करना है जो आपके पास ऑप्शन दिए गए थे वो एक्स की वैल्यू आपको दी गई है x की वैल्यू आपको दी गई है ऑप्शन में टू अपॉइन फाइव वन अपॉन फाइव है ना थ्री अपॉन फाइव तो आप यहाँ रख करके ऑप्शन से जो दिया गया है ए ऑप्शन दिया गया है टू अपॉन फाइव ओके बी ऑप्शन आपको कितना दिया गया है वन अपॉन फाइव और सी ऑप्शन कितना दिया है थ्री अपॉन फाइव तो आप यहाँ पर रख करके चेक कर सकते हैं और जैसे ही आप यहाँ पर वन अपॉन्ट फाइव रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा देखिए मैं रख देता हूँ वन अपॉन फाइव यानी कि थर्टी फाइव अपॉइन्ट ट्वेंटी फाइव बाकी चीज़ में सेटिस्फाई नहीं होगा बट इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा ओके okay? ओ भाई सर तो देखिए इसको यदि मैं वन अपॉन फाइव रखता हूँ तो थर्टी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस वन हंड्रेड टू अपॉन फाइव ओके वन हंड्रेड टू अपॉन कितना फाइव और प्लस का नाइनटीन इक्वल टू तो ज़ीरो आ जाएगा देख लो कैसे आ जाएगा भाई पाँच और पच्चीस का कितना आ जाएगा पच्चीस आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा पैंतीस यहाँ पर पाँच का मल्टीप्लाई कर दो तो पाँच गुणे दो दस ओके और दस और यहाँ फाइव ज़ीरो जीरो और वन जन वन बन जाएगा और ये बन जाएगा पांच एक सौ दस ठीक है ना और यहां पे कितना आ जाएगा यहां पे आ जाएगा उन्नीस गुणे पच्चीस भाई सब बड़ी भयंकर क्वांटिटी आ रही है पे तो, तो नाइनटीन टू ट्वेंटी चलो करना ही पड़ेगा कर देते हैं तो जा, पंचानवे उन्नीस दो अड़तीस उन्नीस अड़तीस अड़तीस सात पैंतालीस चार सौ पैंतालीस तो ये हो गया चार सौ पैंतालीस अरे भाई फोर फोर्टी फाइव चलो अब देखो क्या करो इसको और इसको ऐड कर दो और इसको माइनस कर दो तो पाँच और पाँच दस और पाँच और पाँच दस है ना ज़ीरो तो नहीं आ रहा भाई कुछ मिस्टेक हुई है हम लोगों से एक बार मैं क्वेश्चन का ऑप्शन चेक कर लूँ एक थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन हंड्रेड टू एक्स प्लस नाइनटीन इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू मैंने कितनी डाली यहाँ पे वन पॉइंट फाइव डाली है तो ये हो जाएगा कितना वन बाई ट्वेंटी फ़ाइव बिल्कुल सही है एक्स की वैल्यू यहाँ वन पॉइंट फाइव और यहाँ पर कितनी है नाइनटीन क्या दिक्कत हो रही भाई आंसर तो बिल्कुल सही कर रहे हैं अपन में यहाँ पे ट्वेंटी फ़ाइव होगा फाइव और ट्वेंटी फाइव कैल्शियम ट्वेंटी फ़ाइव ही आएगा अच्छा ये गलती कर दी भाई साहब देखो 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 मतलब प्रेशर क्या नहीं करवा लेता भाई साहब ध्यान रखना इस चीज़ को सीखते जाओ ये थर्टी फाइव है यहाँ पे ट्वेंटी फाइव आंसर आया है तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव में फाइव का डिवाइड करेंगे तो फाइव आएगा ना तो फाइव टू ज टेन ओके okay, और यहाँ पे कितना आ जाएगा वन आ जाएगा और फाइव बन जा फाइव पाँच सौ दस आ गया ना यहाँ पे यही तो पिछली बार किया था ना और प्लस उन्नीस गुणे पच्चीस पच्चीस गुणे उन्नीस मैं करता हूँ अच्छे से तो नाइनटीन फाइव जा नाइनटी फाइव कैरी आ गई नाइन उन्नीस दूनी अड़तीस अड़तीस और नौ नौ आठ सत्रह सत्रह के साथ आते चार चार सौ पचहत्तर आ रहा था अच्छा ये गलती थी यार ये गलती चार सौ पचहत्तर ये गलत लिख दिया था पिछली बार तो चार सौ पचहत्तर और पैंतीस ऐड कर दो पाँच पाँच दस ओके चार सौ पचहत्तर और पैंतीस आप ऐड कर दो क्योंकि पैंतीस प्लस में है और ये भी प्लस में है क्यों नहीं आ रहा भाई आंसर क्या मिस्टेक हो रही है चलो ऐड करके देखते हैं चार सौ पचहत्तर और पैंतीस और अपन को कितना ले करके आना है पाँच सौ दस लेके आना है ना क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक ना करी है मैंने इक्वेशन देख लूँ एक बार थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन हंड्रेड टू एक्स प्लस नाइनटीन बिल्कुल सही लिखा है भाई बिल्कुल सही लिखा है थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन हंड्रेड टू एक्स प्लस नाइनटीन इक्वल टू जीरो बिल्कुल सही है और एक्स की वैल्यू कितनी सेटिसफाई करा रहा हूँ मैं वन अपॉन फाइव करा रहा हूँ ना जो आंसर आया है So, x 1 5 से तो एक्सिकल टू वन अपॉन फाइव सेट इस कराऊंगा तो यहाँ पे आएगा थर्टी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव चलो चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए थोड़ा हल्के तरीके से सॉल्व करते हैं इसको चलिए देखिए तो एक काम करता हूँ मैं इसको पाँच से पाँच बार काटता हूँ इसको मैं सात बार काटता हूँ अब थोड़ा शायद सही हो जाए तो सेवन अपॉन फाइव प्लस वन हंड्रेड माइनस यार सेवन अपॉन फाइव माइनस वन हंड्रेड टू अपॉन में कितना फाइव और प्लस का नाइनटीन इक्वल टू कितना आना चाहिए जीरो सेटिस्फाई कराना चाहिए प्लस का नाइनटीन इक्वल टू जीरो अब तो सब कुछ सही है ना हाँ अब बिल्कुल सही है हाँ अब देखिए एक सौ सात माइनस एक सौ दो और ये कितना आ जाएगा अपने पास में नाइन्टी फाइव तो सात पाँच बारह अरे आ गया बिल्कुल आ गया देखो यार कहीं ना कहीं पक्का मिस्टेक हो रही थी इक्वल टू जीरो ये कैंसिल कर दिया है इक्वल टू कितना ज़ीरो तो आंसर क्या आ गया वन अपॉइंट फाइव देखो वैसे फैक्टराइज करोगे तो बाबू हो जाओगे बहुत हालत खराब हो जाएगी फैक्टराइज करने पे आएगा नहीं क्योंकि इसको कौन ढूंढेगा फिर श्रीधराचार लगाओगे नाइनटीन इंटू थर्टी फाइव उतने में तो अपनी बैंड बच जाएगी तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट डिटेल में करना नहीं है अपन को डायरेक्टली ऐसे देख लेना ऑप्शन से ओके डन चलिए इसी बीच में अगले कंसेप्ट का ज्ञान आपको दे दूँ तो फार्मूला आ रहा है आपके लिए देखिए अगर आपके पास एक क्वाडिलेटल हो जिसके डायगोनल डी है और डी है ओके तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कितना होता है नोट कर लीजिए वन अपॉन टू डी वन क्रॉस डी टू तो ये डायगोनल के लिए लगेगा गए फार्मूला ओके okay, और डायगोनल के लिए ही ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलेगा वन अपॉन टू डी वन क्रॉस डी टू डन चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है लिमिट एक्सटेंस टू टू माइनस मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर डीजर एक्स माइनस टू ओके तो आपको पता है कि जब आपको टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो लेट एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं एक्स इक्वल टू है टू माइनस एच और अगर एक्स जो है टू तो की टर्म टेम तरफ जाएगा तो एच किसकी तरफ जाएगा जीरो की तरफ तो ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो ओके मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए यहाँ पे टू माइनस एच और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का टू ठीक है ना का होल क्या है मॉड है अब देखिए यहाँ से टू से टू कैंसिल हो चुका है और आपके पास में क्या बच चुका है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कितना है माइनस का एच ओके ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का एच देखिए आपको पता होगा कि माइनस का एच मतलब निगेटिव थोड़ी सी वैल्यू जो आप एच हुआ करता है निगेटिव साइड में मतलब देखिए माइनस आप पहले साइकोलॉजी को समझिए कि टू माइनस एच का मतलब क्या है मतलब दो से थोड़ा सा कम दो से थोड़ा सा कम जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं है, है ना देखिए ये है अपने पास में टू ये अपने पास में क्या है टू है जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो आप यहाँ से अप्रोच करते हैं तो इधर तरफ की वैल्यू को बोलते हैं टू प्लस एच और जब इधर से वैल्यू आते हैं तो आप इसको बोलते हैं टू माइनस एच मतलब दो से थोड़ा सा कम ओके okay, यानी कि अगर आप कह दें टू माइनस एच को बोल दें आप माइनस का जीरो पॉइंट वन टू माइनस एच तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एच है वो कितना है ज़ीरो पॉइंट वन है ओके okay, यदि आप इधर से अप्रोच कर रहे हैं टू को यदि आप इधर से अप्रोच कर रहे हैं टू को और यदि ये टू से ज़ीरो पॉइंट वन है तो आप इसको क्या लिखेंगे टू माइनस ज़ीरो पॉइंट वन ओके टू माइनस जीरो पॉइंट वन मतलब कितना बनेगा ये बनेगा वन पॉइंट नाइन नाइन ये आपके पास में बनेगा 1.9 जैसे बन गया ठीक है ना तो आपके पास में h कितना आ गया है 0.1 अब ये माइनस का 0.1 है क्या है माइनस का 0.1 तो आप बताइए माइनस का 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या टूटता है सभी लोग जानते होंगे माइनस का वन तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ चुका है इसका माइनस का वन टूट चुका है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी लिमिटिंग वैल्यू वन आ जाएगी तो करेक्ट आंसर इसका कितना है वन तो ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आते हैं के में मगर बड़े दमदार हुआ करते हैं तो प्लीज़ इसको कर लीजिए ओके सो दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो डन तो चलिए देखिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ जिस कंसेप्ट से जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ठीक है ना इसे क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ठीक है ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भिन्नात्मक कुछ कहते होंगे हिंदी में मुझे पता नहीं कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा यदि पता हो तो तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या हुआ करता है इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं देखिए कहा गया है कि लिमिट x एक्सटेंस टू थ्री प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे शो करते हैं यदि कोई फंक्शन x का फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसको इस तरीके से शो करा करते हैं तो अपने पास जो फंक्शन क्या दिया गया है लिमिट x एक्सटेंस टू थ्री पॉजिटिव और फ्रैक्शनल पार्ट है x माइनस टू बताइए कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा तो पहले इसके लिए मैं आपको डिटेल थोड़ी सी वर्किंग बता देता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को कैसे समझा जाता है देखिए मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में कोई नंबर है वन तो आप इसको क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो वन प्लस इस तरीके से यदि कोई नंबर आपके पास में एक्स है तो x को क्या लिख सकते हो वन क्या कहलाएगा इस तरीके से एक मिनट एक मिनट पहले एक काम करो पहले इसको थोड़ा समझ लो तो यदि ये जो है 1.3 इसे क्या समझ सकते हो आप इसे लिख सकते हो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये क्या है इसका डेसिमल पार्ट है इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट मतलब कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है क्या 1.3 तो यहाँ से हमारी एक लॉजिक क्लियर हो गया कि जो x जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल हुआ करता है तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल होगा वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के होगा लियो भाई आ गया कंसेप्ट तो यहाँ से x माइनस टू का फ्रैक्शनल पार्ट बना लेता हूं मैं तो लिमिट को तो चलने दो लिमिट x टेंस टू थ्री प्लस चलने दो ओके okay, x माइनस टू का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा x माइनस टू का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया मैंने जिससे समझ में आ जाए चलो ना लगाओ नहीं तो कन्फ्यूजर हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x माइनस टू ओरिजिनल नंबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस टू ठीक है ना अब चलिए क्या करते हैं अब इसके बाद लिमिट लगाते हैं तो x टेंस टू x इक्वल टू थ्री प्लस एच रख देते हैं x इक्वल टू थ्री प्लस एच और x भागेगा थ्री की तरफ तो h जाएगा किसकी तरफ जीरो की तरफ तो पुट कर दीजिए क्वेश्चन किस में चला जाएगा पूरा पूरा h में सेट हो जाएगा h यहाँ पे आ जाएगा कितना थ्री प्लस एच माइनस का टू और यहाँ पे माइनस लगा भाई बीच में ध्यान रखो माइनस का दुर्घटना से देर भली ओके थ्री प्लस एच और माइनस का टू चलिए थ्री माइनस टू कितना हो गया वन प्लस एच तो ये हो गया वन प्लस एच और लिमिट एच टेंस टू जीरो अभी भी चलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे देखिए थ्री माइनस टू वन प्लस एच अब देखिए इसका आंसर कितना आने वाला है देखिए तो वन प्लस एच एच की वैल्यू जीरो डाल दी तो यहाँ पे कितना आ गया वन माइनस वन प्लस एच देखिए वन प्लस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा कहाँ पर टूटेगा वन पर ही टूटेगा लिमिट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे जीरो से तो वन माइनस वन आंसर कितना आ गया जीरो तो करेक्ट आंसर इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का कितना होगा जीरो सो दिस इज़ आंसर इज जीरो डन चलिए तो अब समय आ चुका है शॉर्ट ट्रिक का शॉर्ट ट्रिक के बारे में आपको बताता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स तो देखिए जैसे आप जानते हैं कि बायनोमिल थ्योरम में ए प्लस बी की पावर एन में टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होते हैं एन प्लस वन ओके और यदि मान लीजिए आपके पास में बायनोमिल नहीं ट्रायनोमिल थ्योरम है ए प्लस बी की पावर एन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे तो इसके लिए एक ट्रिक होती है इसका ट्रिक जान लीजिए देखिए टोटल नंबर यहाँ पर कितने है? थ्री है तो ऊपर लगा ये कितना एन प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन मतलब कुल मिला के एन प्लस टू सी Uh, कितना हो जाएगा यहाँ पे टू अब मान लीजिए आपके पास में चार टर्म है जैसे चार टर्म आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये चारों कांस्टेंट नहीं होंगे वेरिएबल की फॉर्म में होंगे तभी तो थ्योरम लगेगी नहीं तो कैसे लगेगी ओके okay, तो यहाँ पे टोटल चार हैं तो चार में से एक कम कितना हो जाएगा एन प्लस थ्री वैसे मतलब जो तरीका मैंने बताया था ना क्या होता है एन तो प्लस फोर माइनस वन सी फोर माइनस वन तो ऊपर है एन प्लस थ्री और सी कितना एन प्लस थ्री सी थ्री ओके फोर माइनस वन सी थ्री मतलब जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा देखिए जैसे यहाँ पे टू आ रहा है तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है टू आ रहा है चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आपके पास में क्वेश्चन आ गया है कि थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव जेड की होल पावर होल पावर मान लीजिए यहाँ पे फोर्टीन लिखा हुआ है बताइए तो टोटल कितने टर्म्स यहाँ पे आएंगे ओके तो इसमें फोर्टीन टर्म्स फोर्टीन पावर है तो कितने आएंगे तो फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है फार्मूला है ना फॉर्मूला होता है एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन के क्या होता है इनका काउंट ओके okay? ये टोटल काउंट हुआ करता है के तो यहाँ पे एन कितना है फोर्टीन प्लस थ्री माइनस वन यानी कि फोर्टीन प्लस टू एक तरीके से और प्लस सी थ्री माइनस वन मतलब कि टू मतलब आंसर कितना सिक्सटीन सी टू ओके क्योंकि ऊपर चौदह तेरह सत्रह में से एक गए सोलह सी टू तो आंसर इसको सॉल्व कर लीजिए तो सिक्सटीन इन फिफ्टीन डिवाइड बाई टू इंटू वन तो यहाँ पर कितने बार गया आठ बार तो आंसर टोटल इसमें कितने टर्म्स बनेंगे 120 टर्म्स इसमें बनेंगे ओके सो so इसके एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स बनेंगे 120 तो याद रखिएगा जो ट्रिक होती है वो कितनी होती है एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन के मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अंदर कितने हैं उनको हम के बोला करते हैं तो यहाँ पर ये यह शॉर्ट ट्रिक पूरी हुई चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डन हो गया ये चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन कराने के पहले मैं आपको छोटी सी थ्योरम बता देता हूँ थ्योरम ऑफ नेगेटिव इंटीज़र वन प्लस एक्स होल टू दी पावर कितना माइनस एन यहाँ पर माइनस कर लीजिए क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो माइनस से रिलेटेड है तो ये क्या बनती है याद रखिएगा ये बनती है वन प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस एन प्लस टू इंटू एक्स इस तरीके से ये थ्योरम जो है ये चलती जाती है तो यदि मैं बात कर लूँ <coughs> है ना यदि मैं यहाँ पे बात कर लूँ देखिए एन माइनस एन लिखा है मैंने एन पॉजिटिव है तो यदि मैं बात कर लूँ वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन ओके यदि वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन की मैं बात कर लूँ तो एक मिनट माइनस एन की बात मत करिए माइनस टू की बात कीजिए ओके यदि वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू की बात कर लूँ तो देखिए थ्योरम किस तरीके से टूटती है ये थ्योरम टूटेगी ये थ्योरम इस तरीके से टूटेगी वन प्लस टू एक्स ओके प्लस टू प्लस वन यानी कि थ्री एक्स यहाँ पर स्क्वायर लगा लो भाई क्यूब लगा लो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस इस तरीके से ये थ्योरम इस तरीके से टूटती जाती है ठीक है ना और यदि मैं बोलूँ वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन तो देखिए क्योंकि सारे के सारे कोफ़िशंट क्या है यहाँ पे माइनस वन है माइनस में है वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन तो यहाँ पर ये जो थ्योरम टूटेगी यहाँ पर ये थ्योरम जो टूटती है ये किस तरीके से टूटती है एक मिनट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पर अपॉन में कुछ आता है कि नहीं आता है यस शायद ऐसे ही होना चाहिए वेट करिए चलिए तो वेरीफाई कर लेते हैं ऊपर जो हमने एक्सपेंशन लिखी कि सही सही लिखी कि नहीं लिखी बिल्कुल सही लिखी है देखिए इस तरीके से सॉल्व होती है वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन इक्वल टू वन फिर एन सी वन कितना आएगा एन सी वन माइनस एन सी वन कितना आता है एन आता है तो यहाँ पे माइनस का एन चलेगा और फंक्शन में देखिए माइनस एक्स है तो माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या बन गया वन प्लस एन एक्स फिर आप देखिए एन सी टू तो माइनस एन माइनस एन माइनस वन एक्स का स्क्वायर तो माइनस माइनस कॉमन ले करके कितना आ जाएगा एन इन टू एन प्लस वन कितना टू तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है टू रख दीजिए तो देखिए यहाँ पे यदि आप टू तो मतलब अपन किसके लिए टू के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चल रहा है ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे तो ये कितना बन जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू वन और यहाँ पे क्या हो गया एक्स का स्क्वायर एक तरीके से मतलब ये क्या चल रही वन माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स एन की एक्सपेंसन फिर इसके बाद देखिए माइनस 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 कॉमन आ जाएगा और ये माइनस एक इधर से भी आएगा तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऑड पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपऑन होल डिवाइड बाई थ्री इंटू टू इंटू वन यानी फैक्टोरियल थ्री इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर थ्री हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम जो चल रहे थे वो किसके लिए इस तरीके से स्ट्रक्चर आगे बढ़ती जाएगी अब आपके पास क्या है वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू है तो एक्चुअली हम माइनस टू के लिए चल रहे थे तो वन प्लस पहला टर्म कितना बनेगा हमारे पास पहला टर्म हमारे पास बनेगा वन प्लस टू एक्स वन प्लस टू एक्स फिर टू अब देखिए टू है यहाँ पर और टू नीचे है टू प्लस वन तो प्लस कितना हो गया थ्री एक्स स्क्वायर ओके प्लस देखिए थ्री टू वन थ्री टू वन से देखिए यदि एक्स की जगह आप टू रखेंगे सॉरी एन की जगह के अगर आप कितना रखेंगे टू रखेंगे तो टू प्लस वन मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये मतलब ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए केवल एन प्लस टू बज गए यानी कि फोर एक्स क्यूब तो जो हम स्ट्रक्चर लिख रहे थे वो बिल्कुल सही थी इस तरीके से आप जो है डायरेक्टली आप एक फॉर्मूले टाइप का इसको याद कर सकते हैं ठीक है ना चलिए अब देखिए अब आगे है अगला स्ट्रक्चर मैं एक बार और बता देता हूँ आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो है वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन तो वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन की जो स्ट्रक्चर ओपन होती है वो क्या ऊपर हुआ करती है वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू अपू 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 इस तरीके से स्ट्रक्चर यह हुआ करती है ओके इन्फाइन एट तक जाती है स्ट्रक्चर वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन की स्ट्रक्चर इस तरीके से ओपन करते हैं अब हम इससे रिलेटेड जो है सवाल करने वाले हैं तो देखिए क्या है क्वेश्चन इस कंसेप्ट से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन नोट करिए क्वेश्चन कह रहा है द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ ट्वेंटी एक्स स्क्वायर आपको बताना है ये ये आपके पास मैं एक्सपेंशन दे रहा हूँ ट्वेंटी एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स और प्लस का वन होल टू द पावर माइनस वन आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा ओके मैं किसका गुणांक बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको बताना है और याद रखना है एक बात कि यहाँ जो x का मॉड है वो हमेशा एक बटे पाँच से कम है मतलब x की जो वैल्यू है माइनस वन बाई फाइव से लेके प्लस वन बाई फाइव के बीच में रोटेट हो रही है चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए तो आपके पास में एक्सपेंशन क्या है ये सबसे पहले ही एक्सपेंशन आपके पास दी गई है तो आपके पास क्या दिया है ट्वेंटी एक्स स्क्वायर माइनस का है नाइन एक्स और प्लस का है वन होल टू दी पावर माइनस वन इसको सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं वन अपॉन ट्वेंटी एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स और प्लस का कितना वन बिल्कुल सही है अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए ट्वेंटी तो फाइव और फोर की जोड़ी बन रही है तो ट्वेंटी एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स और माइनस का फोर एक्स और प्लस का कितना वन तो यदि यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ वन यहाँ से यदि मैं फाइव एक्स कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा कितना फोर का एक्स माइनस का वन और माइनस वन कॉमन लेने पर फोर एक्स माइनस वन कुल मिलाकर के ये क्या बन गया अपने पास वन अपॉन फोर एक्स माइनस वन और फाइव एक्स माइनस वन ठीक है ना चलिए तो वन अपॉन फोर एक्स माइनस वन और वन अपॉन फाइव एक्स माइनस वन ठीक है तो ये हमारे पास आ चुका है वन अपॉन फोर एक्स माइनस वन और वन अपॉन फाइव एक्स माइनस वन देखिए जो एक्सपेंशन लगती है वो वन वन माइनस एक्स की पावर एन पे लगती है तो यहाँ से दोनों से माइनस साइन कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए और अब इसको बना दीजिए वन माइनस फोर एक्स और वन माइनस फाइव एक्स जी हाँ वन माइनस फोर एक्स और वन माइनस फाइव एक्स अब जो है इसको क्या करना है आपको अब इसको ऐसे अरेंज करिए कि ये जो है आपको क्या देना है एक्स की पावर ट्वेंटी ठीक है ना आपको x की पावर 20 का गुणांक आपको देना है कि x की पावर सॉरी x की पावर 2 की एक्सपेंशन में x की पावर 2 का गुणांक आपको देना है क्या देना है x की पावर 2 के गुणांक की आपको रिक्वायरमेंट है यहां पे x की पावर 2 के गुणांक की चलिए करते हैं इसको सॉल्व हम्म चलिए तो देखिए यहां पर मैंने इसको बना दिया है तो मैं क्या कह रहा था हम लोग यहाँ पर आ चुके थे वन अपॉइन्ट फोर एक्स माइनस वन वन अपॉइन्ट फाइव एक्स माइनस वन अब इसको मैंने लिख दिया माइनस साइन कॉमन लेके वन माइनस फोर एक्स वन माइनस फाइव एक्स जिसको मैं ऊपर ले जाकर लिख सकता हूँ वन माइनस फोर एक्स की पावर माइनस वन वन माइनस फाइव एक्स की पावर माइनस वन अभी अभी आपने क्या एक्सपेंशन पढ़ी है वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन यदि होता है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भाई एक्स क्यों छोड़ दिए वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इस तरीके से ये इनफाइन टर्म्स में टूट जाता है तो यदि यह यहाँ पे भी देखिए एक्स का ही काम कर रहा है तो वन प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स का होल स्क्वायर यानी कि सिक्सटीन एक्स स्क्वायर बाकी के टर्म मेरे काम के नहीं है तो मत लिखो फिर वन प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर बाकी के टर्म मेरे काम के नहीं तो वो भी नहीं लिख रहा हूं अब देखिए क्या चाहिए मेरे को एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन तो वन किसके साथ भिड़ेगा पच्चीस एक्स स्क्वायर के साथ भिड़ेगा तो क्वेश्चन क्या देगा पच्चीस फोर किसके साथ भिड़ेगा फाइव एक्स के साथ भिड़ेगा तो क्या देगा क्वेश्चन बीस और सिक्सटीन एक्स स्क्वायर किसके साथ बढ़ेगा वन के साथ बढ़ेगा तो क्वेश्चन कितना देगा सिक्सटीन बाकी के मेरे काम के नहीं है तो आंसर फोर्टी हो गया 61. तो करेक्ट आंसर इसका कितना है सिक्सटी वन डन चलिए तो सीरीज जो मैंने आपको अभी पढ़ाई उस पर बेस एक अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन दिया गया आपके पास आगे फंक्शन वाई एक्स है जो कि इंटीग्रल की, की फॉर्म में है वाई एक्स इक्वल टू वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स टू डॉट 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 डी एक्स और कह रहा कि वाई जीरो पर वैल्यू एक्स वाई जीरो है मतलब कि एक्स इक्वल टू अगर आप जीरो खिलाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको जीरो मिल जाएगी इंटीग्रेशन होने के बाद में है ना तो बताना है आपको कि वाई जीरो इक्वल टू जीरो दिया है तो आपको बताना है कि वाई एक्स का मान क्या कुल मिला करके आपको फंक्शन पूछ रहा है जो इंटीग्रेशन होने के बाद जनरेट होगा उसकी वैल्यू पूछ रहा है तो देखिए आपके पास आपको थोड़ा सा याद होगा कि वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू जो आता है वो कितना होता है वन प्लस होता है टू एक्स अभी मैंने बताया था वन प्लस होता है टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब इस तरीके से ये एक्सपेंशन आगे बढ़ती जाती है मतलब कुल मिला के जो एक्सपेंशन हमको दी गई है वाई एक्स हमको क्या दिया गया है वाई एक्स दिया गया हमको वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन ठीक है ना हाँ ठीक <coughs> है ना अभी मैंने आपको वन माइनस वन माइनस एक्स की पावर माइन माइनस एन का फॉर्म पढ़ाया था वन प्लस एन एक्स प्लस है ना फिर एन प्लस वन इन टू एक्स का एक्स uh, स्क्वायर इस तरीके से जो एक्सपेंशन बनती थी वही मैंने यहाँ पर दे दी है क्वेश्चन के फॉर्म में तो 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 क्या करना है इसमें हाँ ठीक है याद आ गया तो वाई एक्स इक्वल टू भाई इसको सिंपलीफाई कर लो तो डी एक्स का कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओके अब आप इसको टी ले लीजिए ठीक है वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू है आप इसको क्या ले लीजिए टी ले लीजिए तो देखिए इसको वन माइनस एक्स को आप टी ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा वन माइन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टी इक्वल टू वन माइनस एक्स ओके तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू वन का हो गया जीरो और ये हो गया माइनस वन तो डी टी डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया माइनस का डी टी तो माइनस बाहर ये डी टी और नीचे बन गया क्या टी का स्क्वायर ओके ये टी का स्क्वायर टी के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का वन और ये बन जाएगा टी की पावर माइनस टू और ये डी टी तो डेट इज इक्वल्स टू माइनस का वन टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन तो ये तो माइनस वन ही माइनस वन कैंसिल हो गया कुल मिला के कितना आ गया वन अपॉन टी तो इंटीग्रेशन जो आ चुका है वन अपॉन टी और टी कितना है वन माइनस एक्स मतलब ये हो गया कितना वन अपॉन वन माइनस एक्स और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी मतलब वाई एक्स हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या जनरेट हो गया फाइनली तो वाई एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स और प्लस का कितना सी अब कंडीशन क्या दी गई है कि कंडीशन दी गई है वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन नहीं 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 जीरो दी गई है वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो मतलब x की वैल्यू जब आप जीरो दोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी जीरो मिलेगी तो x की वैल्यू जीरो डाल दीजिए तो y की वैल्यू y ऑफ जीरो इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस जीरो प्लस सी तो वाई अब जीरो कितना है जीरो और ये हो गया वन अपॉन वन और प्लस कितना हो गया सी तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई सी की वैल्यू आ गई माइनस वन सी इक्वल टू कितना हो गया माइनस वन अब सी की वैल्यू उठा करके वापस इस जगह पे पुट कर दीजिए तो आपका फंक्शन जनरेट हो जाएगा तो वाई एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स और प्लस का कितना माइनस का वन दैट इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन तो यही आपका आंसर होगा ओके सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं कौन एक सेक्शन से परवलय वाला क्वेश्चन तो परवलय दिया गया आपके सामने क्या कह रहा परवलय आपके सामने है एक सेकंड जी परवलय वाला क्वेश्चन कहाँ गया ये आ गया हाँ परवलय आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने कि परवलय दिया गया आपके सामने वाई स्क्वायर पहले परवलय तो लिख दो नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे हाँ क्या है परवलय यानी पैराबोला परवलय आपके पास दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स है और प्लस फोर वाई है और माइनस का थ्री है ये आपके सामने पैराबोला दिया गया है इक्वल टू जीरो आपको निकालना इसकी है इसकी डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता आपको इसकी क्या निकालनी है डायरेक्ट्रिक्स यानी कि देखो भाई वाई स्क्वायर दिया गया है तो वाई स्क्वायर दिया गया है तो दो चांसेस बनेंगे या तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स की फॉर्म में बनेगा या ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स की फॉर्म में बनेगा ठीक है ना तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं देखिए कैसे बनेगा ये तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा वाई स्क्वायर है और प्लस का फोर वाई है और इधर पर मेरे को क्या जोड़ना जरूरी है प्लस का फोर जोड़ना जरूरी है टू ए बी होता है ना तो प्लस का फोर और इक्वल टू ये देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स माइनस का फोर एक्स और ये प्लस का थ्री तो इधर चला ही जाएगा और प्लस फोर इधर के ऐड किया तो प्लस फोर इधर ऐड हो जाएगा ठीक है ना तो ये मेरे पास क्या बन गया ये बन गया मेरे पास वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे है माइनस फोर एक्स प्लस कितना थ्री बाई फोर यानी कि सेवन तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ओके एक्स प्लस सेवन बाई फोर ठीक है अब देखिए क्या ले लीजिए इसको कैपिटल वाई ले लीजिए और ये हो गया कैपिटल वाई स्क्वायर ये हो गया माइनस फोर और ये हो गया कैपिटल एक्स ठीक है मतलब ये जो पैराबोला बन रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स कुछ इस तरफ का पैराबोला बन रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स मतलब इस तरफ का पैराबोला बन रहा है तो अब यहाँ जो पैराबोला हुआ करता है यहाँ के जो <coughs> निर्देशांक हुआ करते हैं किसके फोकस के है ना हमको क्या पूछी गई हमको तो डायरेक्ट्रिक्स पूछी गई है तो हमको डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर पूछी गई है तो यदि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे फोकस सबसे पहले कितना निकलेगा सबसे पहले देखा जाए फोकस कितना निकलेगा तो यदि मैं इसको कंपेयर करता हूँ कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए कैपिटल एक्स से तो फोर ए सॉरी माइनस भी रहेगा तो फोर ए इक्वल टू कितना दिख रहा है फोर तो ए इक्वल टू कितना आ गया वन मतलब यहाँ पे जो फोकस आपकी मिल रही है वो कितनी मिल रही है माइनस वन कौमा जीरो तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी डायरेक्ट्रिक्स देखिए इसकी किस एक्सेस में जाएगी क्योंकि ये एक्स एक्सेस के अलाउं खुल रहा है तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो एक्स में जाएगी और कितनी दूर पर जाएगी इधर पे ये माइनस वन है तो इधर पे प्लस वन मतलब इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन ठीक है ना इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो एक्स इक्वल टू वन और एक्स की जगह चल कौन रहा है एक्स की जगह है एक्स प्लस सेवन बाई फोर तो मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एक्स प्लस सेवन बाई फोर इक्वल टू वन ओके स्मॉल एक्स प्लस सेवन बाई फोर इक्वल टू वन एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है ये माइनस रहेगा क्योंकि माइनस फोर आपने कॉमन ले लिया ना अरे भाई मिट जाए यार हाँ तो ये हो गया ये माइनस रहेगा देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई थी बहुत बड़ी तो भाई माइनर मिस्टेक का ध्यान रखना है तो एक्स माइनस सेवन बाई फोर ओके इक्वल टू कितना चल रहा था वन चल रहा था क्योंकि यहाँ डायरेक्ट डायरेक्टिक्स वन है तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया वन प्लस सेवन बाई फोर दैट इज़ एक्स इक्वल टू हो गया एलेवन बाई फोर है ना तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर फोर एक्स इक्वल टू तो जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा फोर एक्स इक्वल टू ठीक है डन ओके okay, दोस्तों तो ये थी आज की क्लास 17 फरवरी का आज का ये था पार्ट वन इसके बाद हम पार्ट टू बहुत थोड़े ही देर में लेकर के आएंगे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए जय हिंद जय भारत